या फिर जो अगर आप पजामा पहन रहे हो उसका स्ट्रेट फिट है उनके साथ पेयर करेंगे, देन दीज आर गोइंग टू कॉम्प्लीमेंट इवन मोर की गोल्डन एम्ब्रॉयडरी, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा प्रीमियम और बहुत ज़्यादा लग्जूरियस लगती है, डिस्पाइट द फैक्ट ये सिर्फ और सिर्फ यही अगर कोई डे इवेंट है, कोई कैजुअल सा इवेंट है, कुर्ते के साथ सिर्फ पेयर अप करना है। अगर आपको लॉन्ग शेरवानी पहननी है जो सॉलिड्स हैं उसके साथ, यू कैन गो फॉर बोथ टाइप ऑफ म्यूल्स, ए जिसमें ये बकल स्टाइल होता है। फेस्टिव और वेडिंग सीजन ऑलमोस्ट आ ही चुका है और आज की डेट में हम लड़कों के पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं आउटफिट्स में, बट एक जगह जहां मोस्टली लड़के गलती करते हैं वो होता है फुटवेयर में, एंड दैट इज़ वन प्लेस यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन आउटफिट। चाहे जितना ही बेहतरीन हो, अगर फुटवेयर अच्छा नहीं है ना तो उस आउटफिट में उतना मज़ा नहीं आता। स्टार्टिंग विथ टू मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स जो मैंने लड़कों को देखी है ट्रेडिशनल आउटफिट्स के साथ करते हुए, फर्स्टली वो बहुत ही हैवी सैंडल्स पहन लेने, स्पेशली वो ऐसे पापा दादा टाइप के लगते हैं और वो पता चलता है कि वो बहुत पुराने हैं एंड दे डू नॉट कॉम्प्लीमेंट। सेकेंड, अपने स्पोर्ट्स शूज़, अपने रनिंग शूज़ कभी भी अपने कुर्ते या ट्रेडिशनल आउटफिट्स के साथ मत पहनना। स्नीकर्स, येस यू कैन, जेंजी ज़माना है और साथ ही साथ चंकी स्नीकर्स काफ़ी इन है, हालांकि अगर वो भी अवॉइड कर सकते हो तो कर लेना, बट स्नीकर्स फिर भी चलते हैं, बट रनिंग शूज़ एंड स्पोर्ट्स शूज़ आर अ बिग नो नो। अब पहनना क्या है वो आपको आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। माई नेम इज़ वैभव केसवानी, योर इमेजिन स्टाइल कोच, और आज की वीडियो में मैं आपको काफ़ी सारे ट्रेडिशनल्स के लिए कौन से अप्रोप्रिएट फुटवेयर हैं वो दिखाने वाला हूँ। शुरू करेंगे हम बजट से और प्रीमियम रेंज में भी जाएंगे, और हम सिर्फ ट्रेडिशनल फुटवेयर तक नहीं सीमित रहेंगे, पर अगर कोई इंडो वेस्टर्न आउटफिट है या अगर आपको कोई वेस्टर्न फुटवेयर पहनना है अपने ट्रेडिशनल आउटफिट्स के साथ तो वो कैसे और कब पहन सकते हैं ये भी मैं आपको साथ ही साथ बता दूंगा। फर्स्ट फुटवेयर ऑन माई लिस्ट इज समथिंग जिसकी बहुत ही ज़्यादा रॉयल फील्स होती हैं एंड दे आर सुपर कम्फर्टेबल। द वन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर आर पेशावरीज। इस फुटवेयर के स्टाइल्स को पेशावरी कहते हैं और खासकर जब आप शेरवानी पहनते हैं, बंद गलास पहनते हैं, उसके साथ ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगते हैं। नाउ दिस पेशावरी पर्टिकुलरली हैज़ अ वेरी स्लिम सोल, तो अगर आपका ओवरऑल आउटफिट का जो सिलहाउट है, जो फिट है, वो स्लिम है तो इसके साथ वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चूड़ीदार पहन रहे हैं नीचे बॉटम वेयर में तो उसके साथ ये काफी ज्यादा अच्छे लगेंगे। अगर मैं इनकी बात करूं टिपिकली दिखते बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, बट ये हैं सिर्फ 1150 रुपए की रेंज में, और उससे भी ज्यादा अच्छी बात ये है कंफर्टेबल काफी है इसमें, क्योंकि अंदर कुशन भी दे रखा है, विच इज एक्चुअली अ ग्रेट थिंग। अगर आपको लॉन्ग आवर्स में पहनना है, किसी ऐसे इवेंट में पहनना है जहां पे आपको डांस करना है एक्सेट्रा, दिस इज वन दैट यू शुड डेफिनेटली कंसिडर। वो पेशावरीज एक बजट ऑप्शन था, अब मैं उसी में आपको एक बहुत ही ज्यादा प्रीमियम ऑप्शन दिखाने वाला हूं। द वन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर इज दिस वन। फर्स्टली आई एब्सोल्युटली लव द फैक्ट कि ये वाइन कलर के हैं, बहुत ही ज़्यादा डार्क वाइन है, और साथ ही साथ इसमें ब्लैक कलर की थोड़ी बहुत पॉलिश हो रखी है जिसके साथ ये और ज़्यादा क्लासिक और ज़्यादा एक्सक्लूसिव लगते हैं। यस, इनका रेट डेफिनेटली ज़्यादा है, बट इसकी क्वालिटी, इसका कंफर्ट और इसकी स्टाइलिंग भी बिल्कुल अप्रोप्रिएट पेशावरी वाली है। ये मोस्टली फिट्स के साथ चल जाएंगे डेफिनेटली, बट अगर आप इनको लूज बॉटम वेयर, फॉर एग्जाम्पल पठानीज या फिर सलवार या फिर धोती या फिर जो अगर आप पजामा पहन रहे हो उसका स्ट्रेट फिट है उनके साथ पेयर करेंगे, देन दीज आर गोइंग टू कॉम्प्लीमेंट इवन मोर। और सबसे ज़्यादा खास बात यही है कि ये पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव और बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस लगते हैं। अब एक टिपिकल इंडियन ट्रेडिशनल फुटवेयर की बात करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल है और काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल भी है। द वन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर आर जूतीज। जूतीज यूजली ये होती है जिनकी जो माउथ होता है ना वो इतना ज़्यादा वाइड होता है और इनका जो सोल है वो बहुत ही ज़्यादा स्लिम होता है। इस जूती की स्पेसिफिकली मुझे सबसे खास बात लगती है इसकी गोल्डन एम्ब्रॉयडरी, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा प्रीमियम और बहुत ज़्यादा लग्जूरियस लगती है, डिस्पाइट द फैक्ट ये सिर्फ और सिर्फ 850 रुपये की है। इसमें कुशन भी दे रखा है तो इससे और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं। और जूती की सबसे ज़्यादा खास बात ये होती है कि वो वर्सेटाइल बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपको किसी इंडो वेस्टर्न आउटफिट के साथ पहनना है आप उसके साथ पहन सकते हो, टिपिकल इंडियन आउटफिट के साथ पहनना है आप उसके साथ पहन सकते हो, अगर आप कुर्ता जीन्स पेयर कर रहे हो उसके साथ आपको एक जूती पहननी है तो भी वो आप कर सकते हो। दैट इज द काइंड ऑफ वेराइटी अ जूती हैज टू ऑफर, बट मेक श्योर गो फॉर अ कलर लाइक दिस, क्योंकि ब्लैक थोड़ा मेन स्ट्रीम हो सकता है और उसको स्टाइल करना काफी सारे आउटफिट्स के साथ डिफिकल्ट होगा एज कंपेयर टू दिस वन। अभी तक मैंने आपको जितने भी ट्रेडिशनल फुटवेयर दिखाए हैं वो सारे आगे से बंद थे, उनके माउथ जो हैं वो क्लोज थे, और ट्रेडिशनल्स के साथ हमें हर बार जूते, जूतीज या पेशावरीज एक्सेट्रा पहनने की ज़रूरत नहीं हो सकती, हम चप्पलें भी पहन सकते हैं। और सबसे अच्छी जो चप्पल होती है नन अदर देन अ कोल्हापुरी चप्पल। कोल्हापुरी चप्पल का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो ये है
बेसिकली ये जो टी बनाया हुआ है ना, द टी स्ट्रैप, दिस इज़ वॉट डिफाइंस अ कोल्हापुरी चप्पल। इसमें भी बहुत सारी वेराइटीज़ आती हैं, कुछ एकदम ऑथेंटिक कोल्हापुरी होंगी, कुछ ऐसी कोल्हापुरी भी होंगी जो सिर्फ उस स्टाइल में है बट एकदम टिपिकल कोल्हापुरी नहीं है। सो यू कैन गो फॉर एनी कोल्हापुरी यू लाइक अकॉर्डिंग टू योर स्टाइल एंड कन्वीनियंस। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर कोई बहुत ज़्यादा खास फंक्शन है, अगर आपको अच्छे से ज़्यादा ही कहीं ड्रेस्ड होके जाना है, वहाँ कोल्हापुरी चप्पल काम नहीं आएगी। बट यही अगर कोई डे इवेंट है, कोई कैजुअल सा इवेंट है, कुर्ते के साथ सिर्फ पेयर अप करना है, देन कोल्हापुरी चप्पल बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लगती है। इस वाली चप्पल का अनफॉर्चुनेटली मेरे पास डायरेक्ट लिंक नहीं है, पर जो भी मुझे लिंक्स मिलेंगे मैं आपको डेफिनेटली दे दूंगा इन द डिस्क्रिप्शन। सिमिलरली कोल्हापुरी का एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव होता है क्रॉस स्ट्रैप्ड चप्पल्स या फिर स्लिपर्स। इतने स्लिपर्स, इतने स्टाइल के अगर आप चप्पल्स पहनोगे, दे विल लुक गुड, दे विल लुक डिसेंट, इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा कूल भी लगते हैं। बट यही अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी और बहुत ही ज़्यादा चंकी सैंडल्स या स्लिपर्स पहन लोगे, देन दे विल नॉट लुक गुड। अब हम टिपिकल ट्रेडिशनल फुटवेयर को एक ब्रेक दे देते हैं और थोड़ा वेस्टर्न फुटवेयर इंट्रोड्यूस करते हैं, बिकॉज फर्स्टली इट इज़ क्वाइट अ ट्रेंड कि अपने ट्रेडिशनल आउटफिट्स को वेस्टर्न फुटवेयर के साथ पहनना। ए सेकेंडली, जब आप किसी बहुत ही ज़्यादा हैवी फंक्शन पे जाते हो, फॉर एग्जांपल शादी, रिसेप्शन एक्सेट्रा, और वहाँ पे आप ट्रेडिशनल पहनते हो, तो यूजली आप कोल्हापुरी चप्पल्स या फिर पेशावरीज एक्सेट्रा हर बार नहीं पहन सकते, क्योंकि वो आपके आउटफिट को, उस थीम को उस तरीके से मैच नहीं करेगा। नाउ द फर्स्ट वेस्टर्न फुटवेयर दैट इज एक्चुअली गोइंग टू कॉम्प्लीमेंट योर ट्रेडिशनल outfits is tassel loafers। अगर आप इसकी एक्चुअली शेप को भी देखें ना, तो बहुत ही ज़्यादा appropriate है, खासकर आपके लिए बंद गला के लिए। अगर आपको लॉन्ग शेरवानी पहननी है जो सॉलिड्स हैं, उसके साथ tassel loafers काफ़ी ज़्यादा एक्सक्लूसिव लगते हैं और काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हैं। मैं हमेशा यही प्रेफर करूँगा, जो भी आप tassel loafers लो वो थोड़े से हैवी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनमें ब्रोगिंग दे रखी है, जिसकी वजह से ये और थोड़े ज़्यादा स्टाइलिश लगते हैं और डिटेल्ड लगते हैं, जैसे आपके ट्रेडिशनल आउटफिट्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड। सो फॉर दोज ओकेजन्स जहां पे आपको हैवी कुछ पहनना है, उनके साथ ये आप बहुत इजीली पेयर अप कर सकते हो। नेक्स्ट स्टाइल ऑफ मॉडर्न फुटवेयर दैट इज आल्सो गोइंग टू कॉम्प्लीमेंट योर ट्रेडिशनल आउटफिट्स आर म्यूल्स। बेसिकली टैसल लोफर्स या लोफर्स को अगर पीछे से खोल दो तो कुछ इस तरीके के दिखेंगे, और इनको हम म्यूल्स कहते हैं। ये थोड़े और ज़्यादा रिलेटेबल हो जाते हैं और ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं आपके टिपिकल ट्रेडिशनल फुटवेयर से, एंड आई एब्सोल्युटली लव द फैक्ट दैट हाउ इजी दे आर टू पेयर अप एंड आर सुपर कंफर्टेबल एट द सेम टाइम। इन म्यूल्स का लिंक मेरे पास डायरेक्टली नहीं है, बट सिमिलर म्यूल्स का लिंक मैं आपको डेफिनेटली दे दूंगा। यू कैन गो फॉर बोथ टाइप ऑफ म्यूल्स, ए जिसमें ये बकल स्टाइल होता है, सेकेंड आर यूजली दोज म्यूल्स जिसमें टैसल लोफर्स होते हैं। प्रेफर करना कि जो बिल्कुल प्लेन म्यूल्स होते हैं वो मत पहनो, क्योंकि ट्रेडिशनल आउटफिट्स थोड़ा डिमांड करते हैं कि आपका फुटवेयर भी उसी लेवल का हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चेल्सी बूट्स। ये चेल्सी बूट्स मेरी पर्सनल कलेक्शन में से हैं, बट मैं आपको कुछ टिपिकल ट्रेड्स बता देता हूँ जो आपके चेल्सी बूट्स आपके ट्रेडिशनल आउटफिट्स को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा जब आप प्लेन कुर्ता और साथ में जीन्स पहन लो उसके साथ चेल्सी बूट्स पहन लो, नहीं, दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। बट यही अगर आप किसी पार्टी में, किसी कॉकटेल में जा रहे हो या फिर किसी शादी में जाना है, तब चेल्सी बूट्स बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लगते हैं। और अगर आप देखेंगे, अगर आप राजस्थान साइड भी देखेंगे, तो वहाँ पे भी ऐसे काफ़ी सारे शूज़ होते हैं जो बंद गलाज, शेरवानीज एक्सेट्रा के साथ पहने जाते हैं। ये मेरी पर्सनल कलेक्शन से हैं तो मैं इसका लिंक नहीं दे सकता, बट एक बहुत ही सिमिलर चेल्सी बूट्स हैं जिनका मैं लिंक दे दूंगा। दो चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना जब भी आप चेल्सी बूट स्टाइल करो। फर्स्टली, जो आपके चेल्सी बूट्स हैं उनकी जो एंकल है, जो पीछे वाला पार्ट है, वो काफ़ी ज़्यादा लंबा होना चाहिए। वो छोटे मिड एंकल या लो एंकल के जो चेल्सी बूट्स आते हैं वो आपको अवॉइड करने हैं। सेकेंडली, जो इनका सोल है वो नैरो होना चाहिए, थोड़ा सा पॉइंटेड हो तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा आपके ट्रेडिशनल आउटफिट्स के साथ। नाउ बेसिस द ओकेजन, बेसिस द इवेंट, बेसिस योर आउटफिट, आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन से फुटवेयर के साथ जाना है। आई होप इस वीडियो ने आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया होगा, बिकॉज मुझे पर्सनली बहुत कन्फ्यूजन रहती थी ट्रेडिशनल आउटफिट्स के साथ एग्जैक्ट फुटवेयर पेयर अप करने में। I hope you learned something new from this video. जितने direct links possible हैं मैं आपको इस video की description में दे दूंगा, नहीं तो similar चीज़ों के links आपको definitely provide कर दूंगा। I'll see you in the next one. Until then, take care. Stay stylish.